एक दिन मस्ती परी, पानी परी और ज्वाला परी एक सुनसान इलाके से गुजर रही थी। तभी एक राक्षस उन तीनों का रास्ता रोक लेता है। राक्षस को देख सभी परियां काफी डर जाती हैं, पर राक्षस कहता है, डरो मत, मैं तुम तीनों को कुछ नहीं कहूंगा, पर अगर आप लोगों को आगे जाना है तो आपको मेरी पहेली का सही जवाब देना होगा। आप में से जो मेरी पहेली का सही जवाब देगा वही आगे जा सकता है। उन तीनों का आगे जाना जरूरी होता है, तो वो कहती हैं, ठीक है, पूछो अपनी पहेलियां। फिर राक्षस अपनी पहली पहेली पानी परी से पूछता है। वो उन्हें एक चित्र दिखाता है और कहता है, बताओ इस चित्र में क्या गलती है। दोस्तों, आप लोग भी इस चित्र को ध्यान से देखो और बताओ इस चित्र में क्या गलती है। दोस्तों, इस चित्र में आपको तीन ऊंट दिखाई दे रहे हैं, पर अगर आप देखो तो इन दो ऊंट की परछाई तो बन रही है, पर इस तीसरे ऊंट की परछाई नहीं बन रही है, तो यही इस चित्र की सबसे बड़ी गलती है। पानी परी भी इसका सही जवाब दे देती है। फिर राक्षस उन्हें आगे जाने देता है। उसके बाद वो राक्षस अपनी अगली पहेली मस्ती परी से पूछता है। वो उन्हें एक चित्र दिखाता है, उस चित्र पर कुछ लिखा होता है। राक्षस कहता है, बताओ ये क्या लिखा है। दोस्तों, अगर आप समझ पाए कि ये क्या लिखा है तो आप अपना उत्तर कमेंट कर दो। दोस्तों, ये है, विनोद चारपाई पर बैठकर पढ़ाई कर रहा है। मस्ती परी भी इसका जवाब दे देती है। फिर राक्षस उन्हें भी आगे जाने देता है। उसके बाद राक्षस अपनी अगली पहेली ज्वाला परी से पूछता है। वो ज्वाला परी को भी एक चित्र दिखाता है। चित्र में कुछ इमोजी होते हैं। राक्षस कहता है, इन इमोजी से एक लड़की का नाम बनता है, क्या तुम बता सकती हो वो नाम क्या है। दोस्तों, अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप अपना उत्तर कमेंट करो। दोस्तों, इसका सही जवाब है अपर्णा। क्या आप लोगों ने भी सही जवाब दिया था? आप कमेंट करके बताओ। ज्वाला परी भी इसका सही जवाब दे देती है और राक्षस उन्हें भी आगे जाने देता है। पर थोड़ी देर में ही सिचुएशन काफी खतरनाक हो जाती है। वो तीनों ही अलग अलग खतरों से घिर जाती हैं। ज्वाला परी एक चैम्बर में होती है जहां पानी भरा होता है। वहीं पानी परी भी एक चैम्बर में होती है जहां पर खतरनाक जहरीली गैस होती है। और मस्ती परी जिस चैम्बर में होती है वहां चारों तरफ आग होती है। पर भगवान की कृपा से बालवीर उन तीनों की मदद के लिए वहां आ जाता है। पर दोस्तों, इस सिचुएशन में इतनी जल्दी बालवीर किसी एक को ही बचा सकता है। दोस्तों, आपके हिसाब से बालवीर को किसे बचाना चाहिए? दोस्तों, बालवीर को पहले पानी परी को बचाना चाहिए। अगर आप देखो तो ज्वाला परी की गर्दन तक ही पानी है, यानी उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। वहीं अगर आप मस्ती परी को देखो तो उन्हें रस्सी से नहीं बांधा गया है और ना ही उनका चैम्बर बंद है, यानी वो खुद भी बाहर निकल सकती हैं। और अगर आप पानी परी को देखो तो उनका चैम्बर बंद है और वो रस्सी से भी बंधी हुई है, यानी वो खुद से नहीं बच सकती हैं। तो बालवीर को सबसे पहले पानी परी को ही बचाना चाहिए। बालवीर सबसे पहले पानी परी को बचाता है और फिर वो एक एक कर सभी परियों को बचा लेता है।